हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज लक्ष्मी कोचिंग सेंटर बच्चों आज हम करने जा रहे हैं आईसीएससी बोर्ड क्लास टेन चैप्टर है लीनियर इन इक्वेशन चलिए करते हैं कैसे देखिए बच्चों पहले मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ लीनियर इन इक्वेशन होता क्या है सपोज बच्चों देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई हमारे पास एक इक्वेशन दिया है जैसे थ्री एक्स माइनस इलेवन ठीक है इक्वल टू थ्री अगर ऐसे इक्वेशन देता है तो इसको क्या बोलते हैं इक्वेशन ठीक है अगर इस एक, इस इक्वल की जगह इसकी जगह अगर ये वाला साइन लेस देन या ग्रेटर देन का साइन दे तो इसी को बोलते हैं लीनियर इन इक्वेशन यानी ये जो साइन लग जाता है बच्चों इसके बाद ही ये इक्वेशन लीनियर इन इक्वेशन कहलाता है है ना इजी ये तो इक्वेशन है इसको क्या बोलेंगे इक्वेशन जैसे ही ये वाला साइन लग जाएगा लेस देन एंड ग्रेटर देन तो इसका नाम हो जाएगा लीनियर इन इक्वेशन ये बच्चों इसमें इक्वल का भी साइन आ जाता है ऐसे भी आ जाता है तो मतलब ये सारे साइन को जिसके अंदर ये साइन हो ये साइन हो लेस ग्रेटर देन इक्वल टू हो चाहे लेस देन इक्वल टू हो इसको ही लीनियर इन इक्वेशन बोलते हैं तो बच्चों ये तो इसके बारे में हो गया कि भाई लीनियर इन इक्वेशन होता क्या है ठीक है तो आई थिंक आपको समझ में आ गया बच्चों कि क्या इक्वेशन है और क्या लीनियर इक्वेशन है ये साइन ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ये सारे साइन होगा जिस भी इक्वेशन के अंदर बच्चों तो वो लीनियर इन इक्वेशन है चलिए इसका थोड़ा रूल्स समझाती हूँ बच्चों ठीक है रूल्स क्या है जैसे कि सपोज यहाँ पर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू है यहाँ बच्चों मान लीजिए माइनस का टू एक्स है यहाँ माइनस का थ्री है अगर पहला रूल क्या है याद रखिएगा बच्चों इस माइनस से ये माइनस को अगर मैं कट करती हूँ तो उसके संग क्या हो जाएगा बच्चों इसका जो है ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा यानी ये लेस देन था तो अब ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल होते ही पहला रूल तो ये याद रखिएगा कि जब भी हम माइनस माइनस हटाएंगे तो क्या होगा कि वो तो डिजिट वही रहेगा लेकिन उनके बीच का जो ये साइन है जैसे कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो सॉरी लेस देन इक्वल टू का साइन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो जाएगा चेंज हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा ठीक है चलिए अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पर फिर आपको उसी के संग समझाएंगे बच्चों पहला क्वेश्चन है Solve दी इन इक्वेशन थ्री एक्स माइनस इलेवन लेस लेस देन थ्री वेयर एक्स बिलोंग्स टू वन टू थ्री डॉट 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 टेन ऑल्सो रिप्रेजेंट इज सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन बहुत ईजी है बच्चों ये सम्स अभी मैं आपको करके समझाऊंगी इस क्वेश्चन में जो कहा गया है ये देखिए देखिए बच्चों पहला जो ये क्वेश्चन है थ्री एक्स माइनस इलेवन लेस देन थ्री हम इसको लिख लेते हैं ठीक है कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा थ्री एक्स माइनस इलेवन लेस देन थ्री पहला क्वेश्चन है ये हमें गिवन है क्या है ये हमें गिवन है तो कैसे लिखेंगे गिवेन इन इक्वेशन ये इन इक्वेशन हमको गिवन है अब तो समझ में आ गया होगा कि भाई इन इक्वेशन किसको बोलते हैं देखिए साइन है लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जिस भी इक्वेशन के अंदर साइन होगा उसी को लीनियर इन इक्वेशन बोलते हैं चलिए क्या करते हैं बच्चों इस इलेवन को इस साइड लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा ठीक है जैसे हम नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करते थे ऐसे ही करेंगे देखिए इलेवन और थ्री कितना हो जाएगा बच्चों फोर्टीन हो जाएगा ये एक्स है यानी ये फोर्टीन ये थ्री डिवाइड में चला जाएगा आप इसको डिवाइड कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा थ्री से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा थ्री फोर जैर ट्वेल्व एंड टू बाई ये थ्री इतना आ गया लेकिन बच्चों क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है देखिए क्या दिया हुआ है वो आपको मैं दिखाती हूँ क्वेश्चन में दिया है एक्स बिलोंग्स टू वन टू थ्री वन से लेकर टेन तक का नंबर यानी जो भी मेरा एक्स निकलेगा बच्चों वो वन से लेकर टेन तक होगा देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है बट एक्स बिलोंग्स टू ऐसे ही लिखा है ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन ओके बच्चों लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू फोर टू बाई थ्री से छोटा है यानी फोर तो रहेगा ही क्योंकि ये फोर से ज्यादा नंबर हो गया तो एक्स का वैल्यू फोर से छोटा है फोर से छोटा कौन कौन सा नंबर आएगा बच्चों तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हैंड्स दी सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा बच्चों देखिए x का वैल्यू फोर से छोटा है तो फोर से छोटा कौन मतलब फोर टू बाई थ्री से छोटा है तो यानी फोर भी इंक्लूड होगा क्योंकि ये चार से ज्यादा है फोर से ज्यादा है यहाँ से लेके टोटल नंबर आ जाएंगे तो सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा बच्चों यहाँ पर आ जाएगा वन टू थ्री okay. फोर ओके फिर हमसे बच्चों देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया ये भी आपको दिखाती हूँ ऑल्सो रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन ऑन दी नंबर लाइन देखिए क्या लिखा है बच्चों ऑल्सो रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन चलिए हम इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं बच्चों देखिए कैसे करेंगे यहां देखिए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे यहाँ एक्स डालते हैं ये एक्स डैश हो गया बच्चों ओके okay, यहां जीरो डालते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा ठीक है थेके? इस साइड नेगेटिव लिखिएगा माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री डॉट डॉट चलता रहेगा ठीक है बच्चों अब क्या है हमारा सॉल्यूशन सेट क्या निकला था बच्चों यहां देखिए वन टू थ्री फोर ओके इसको हम वन को थोड़ा सा डार्क कर देंगे देखिए वन टू थ्री एंड फोर यहां लिख देंगे x सॉरी सॉल्यूशन सेट वन टू थ्री फोर हो गया आंसर कंप्लीट था ना इजी बच्चों चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर टू कैसे करेंगे देखिए क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है टू एक्स माइनस थ्री लेस देन वन ठीक है हम ये लिख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर टू देखिए टू एक्स माइनस थ्री फिर ये साइन लेस देन का एक्स बिलोंग्स टू फिर क्या दिया हुआ है वन टू थ्री डॉट 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 टेन तक यही दिया है चलिए करते हैं बच्चों इसको सॉल्व देखिए तो इसको क्या करते हैं हम इंटू करते हैं बच्चों पहले लिख लेते हैं गिवन है इन इक्वेशन क्या है गिवन इन इक्वेशन जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे बच्चों टू एक्स माइनस थ्री ये हो गया वन ठीक है इसका इंटू कर लेते हैं बच्चों इसमें टू एक्स हो गया टू थ्री जिक्स हो जाएगा इस टू का इसमें भी करिएगा एंड इसमें भी फिर ये साइन ओके okay? फिर हम क्या लिखते हैं टू एक्स फिर ये देखिए वन और ये प्लस का सिक्स इस साइड आ जाएगा तो क्या आ जाएगा टू एक्स हो गया यहाँ आ जाएगा सेवन ओके okay? अब क्या करेंगे यहां देखिए टू से इसको डिवाइड करेंगे टू से इसे डिवाइड करने पर देखिए क्या आएगा एक्स टू से से डिवाइड किया तो टू थ्री जै सिक्स एंड वन बाई टू आया अब देखिए बच्चों हमें गिविन क्या है देखिए बट हमें यहाँ दिया हुआ है यहाँ देखिए x बिलोंग्स टू वन टू थ्री यानी जो ये x का नंबर आएगा वो इन वन से लेकर टेन तक के बीच में ही होगा कहीं अलग से हमें कुछ नहीं लेना इन्हीं के बीच में होगा देखिए कैसे होगा पहले लिखते हैं बट x बिलोंग्स टू क्या क्या है बच्चों वन टू थ्री फोर डॉट 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 टेन तक है ओके तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट निकलेगा देखिए देखिये दी सॉल्यूशन सेट क्या निकलेगा बच्चों देखिए इज अब यहाँ देखिए यहाँ x का वैल्यू तीन से यानी थ्री एंड हाफ से छोटा है यानी थ्री भी लेंगे अगर ये सिर्फ तीन होता तो हम तीन को नहीं लेते मगर ये तीन से ज्यादा है यानी थ्री एंड हाफ है यहाँ पर तो देखिए इसको भी हम लेंगे तो तीन इससे कम कौन कौन से नंबर है देखिए ये तीनों नंबर है है ना यहाँ लिख देंगे वन टू एंड थ्री आ गया आंसर बच्चों चलिए इसी का क्वेश्चन चाहूंगी देखिए सोल्व फाइव माइनस फोर एक्स ग्रेटर देन टू माइनस टू माइनस थ्री एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू w डब्लू का मतलब होता है होल नंबर होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है बच्चों जीरो से यानी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे होता है चलिए इसको भी करके दिखाते हैं ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर थ्री देखिए कैसे करते हैं हमें क्या गिवेन है देखिए गिवन है इन इक्वेशन फाइव माइनस फोर एक्स ग्रेटर देन टू माइनस थ्री एक्स ओके हम क्या करेंगे बच्चों x को एक तरफ कर लेंगे डिजिट को एक तरफ चलिए ये माइनस का फोर एक्स है इस माइनस थ्री एक्स को इस साइड लाएंगे तो प्लस का थ्री एक्स हो जाएगा जैसे ही हम इसका हेरा फेरी करते हैं ना इधर से उधर या इधर से उधर तो साइन चेंज हो जाता है बच्चों तो देखिए ये हो गया ये माइनस था तो प्लस हो गया यहाँ टू ऐसी अवेलेबल है पहले से इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का फाइव हो जाएगा माइनस किया तो क्या आया बच्चों माइनस का थ्री आ गया फोर में से थ्री जाएगा तो माइनस एक्स आ जाएगा अच्छा अब देखिए अब ये बताने वाली बात है कि जब बच्चों माइनस से माइनस को हम कैंसिल करते हैं ना तो हम क्या करते हैं कैंसिल करते ही ये जो साइन है ना वो चेंज हो जाएगा याद रखिएगा ये मेन पॉइंट है कि जब दोनों तरफ माइनस होता है और अगर हम उसको काटना चाहते हैं उसको हटाना चाहते हैं तो हटाते ही ये जो साइन है ना ये ग्रेटर देन था ना लेस देन में चेंज हो जाएगा तो ये हो चुका है बच्चों तो हमें क्या बोला था क्वेश्चन में यहाँ पर बोला था ना कि भाई एक्स जो है वो होल नंबर है मैं आपको दिखाती हूँ एक बार फिर से कि एक्स जो है वो होल नंबर को रिप्रेजेंट यहाँ देखिए एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू यानी डब्ल्यू यानी होल नंबर तो चलिए देखते हैं यहां पे होल नंबर है होल नंबर तो आपको पता ही है कि क्या होता है देखिए यहां पे एक बार और मैं आपको शो कर देती हूं होल नंबर होता क्या है देखिए जीरो से लेके जहां तक काउंटिंग होता है उसी को होल नंबर बोलते हैं तो चलिए यहां पे देखिए बच्चों सॉल्यूशन सेट क्या आएगा बच्चों सॉल्यूशन सेट देखिए तीन से छोटा यहाँ पे लेस देन है ना x छोटा है ना तीन से तो थ्री से छोटा थ्री से छोटा कौन कौन से नंबर होंगे बच्चों ये देखिए जीरो वन टू ओके तो हम आंसर में लिख देंगे बच्चों जीरो वन टू अच्छा ठीक है अब इसको बोला गया है बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपको फिर से दिखाना चाहूँगी बोला है ऑल्सो रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन चलिए हम इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करते ये दिखाते हैं आपको तो देखिए यहां पर मेरा यहां पर आया था बच्चों ये देखिए क्या आया था जीरो वन टू ओके हम इसको नंबर लाइन पर शो करेंगे देखिए कैसे करते हैं ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया है देखिए ये रहा जीरो ये रहा वन ये रहा टू हो गया ना आंसर कंप्लीट चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर ओके okay, क्वेश्चन नंबर फोर है हमें क्या दिया हुआ है बच्चों गिवेन इन इक्वेशन आपको एक बार पढ़ा देती क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर देखिए पर इंटीजर यानी जो भी बच्चों यहाँ पे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हमें पॉजिटिव इंटीजर में लिखना है बस चलिए हम आपको इसे करके दिखाते बहुत ईजी है बच्चों देखिए क्वेश्चन है मेरा थर्टी माइनस फोर टू एक्स माइनस वन फिर लेस देन थर्टी इसे हम पहले सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे देखिए ये थर्टी है फोर टू जाट एक्स तो यहाँ एट एक्स लिख लिया माइनस माइनस प्लस फोर वन जा फोर जब भी मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चों साइन का साइन के संग कर दीजिएगा फिर डिजिट का डिजिट में करिएगा दोनों तरफ जरूरी है करना यानी डिजिट भी साइन भी अब क्या करेंगे बच्चों ये देखिए थर्टी एंड फोर कितना होता है थर्टी फोर माइनस एट एक्स हो गया बच्चों इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया फिर ये थर्टी आ गया अब क्या करेंगे बच्चों देखिए माइनस एट एक्स है ही इस थर्टी फोर को इधर ले आते हैं थर्टी फोर ओके माइनस करने पे क्या आया बच्चों माइनस एट एक्स है ही ये फिर ये देखिए इसको माइनस किया तो क्या है माइनस का फोर अब फिर से देखिए दोनों तरफ माइनस है आपको एक ही बात याद रखनी है बच्चों तो देखिए क्या करेंगे देखिए माइनस से माइनस जब भी काटेंगे बच्चों ये याद रखिएगा इसे काटते ही ये साइन चेंज हो जाएगा तो देखिए चेंज हो गया यहाँ x लिखा ये है और फोर ये एट नीचे आ जाएगा यानी फोर वन जा फोर एंड फोर टू जा एट यानी एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन वन बाई टू चलिए ये तो वन बाई टू हो गया लेकिन बच्चों इसमें हमें क्वेश्चन में ही बोला था कि बट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर क्या बोला था पॉजिटिव इंटीजर तो भैया चलिए बताइए पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है जो प्लस में होगा ठीक है तो ये देखिए हम अभी लिखते हैं पॉजिटिव इंटीजर तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या निकलेगा बच्चों हैंड्स The solution सेट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा यानी माइनस सॉरी हाफ से बड़ा हाफ से बड़ा क्या क्या नंबर होता है बच्चों वन होता है टू होता है थ्री होता है फोर होता है जहाँ तक गिनती जाए काउंटिंग जाए वहाँ तक होगा तो, हो तो देखिए सारे प्लस में है कि नहीं हमसे बोला था भाई बोला गया था ना कि भाई एक्स का लेना है लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए तो हमने पॉजिटिव ले लिया है ना इजी अगर बच्चों इन सब क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा बाय बच्चों मिलते हैं इसके आगे का क्वेश्चन करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में